हाय डियर फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि CDC इमेज फाइल आप किस तरह से मिनटों में बना सकते हैं। कुछ मिनटों में डियर फ्रेंड्स आप CDC इमेज फाइल बना सकते हैं। और तो और जो कंप्यूटर खरीदते समय अपन को मदरबोर्ड वगैरह की ड्राइवर्स की CD मिलती है, उसे संभाल कर रखने के लिए बोला जाता है, उसका भी मैं उपाय बताऊँगा, उसके लिए भी बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा जब आपने नया कंप्यूटर लिया होगा जिसके साथ आपको मदरबोर्ड और प्रिंटर की ड्राइवर CD और DVD भी मिली होगी, और साथ ही उसे संभाल कर रखने की सलाह भी मिली होगी। लेकिन समय के साथ ड्राइवर CD और DVD रखे हुए ख़राब हो जाते हैं, और जब वक्त पर ज़रूरत पड़ती है तो ना ही वह काम करती हैं और ना ही उनकी सेकेंड कॉपी बन पाती है। कुछ लोग उन ड्राइवर CD और DVD को कंप्यूटर में सीधे कॉपी कर लेते हैं। उससे दो नुकसान होते हैं, पहला उसे उसके मूल रूप में राइट नहीं किया जा सकता, और दूसरा उसके वायरस आने का भी खतरा बना रहता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जिस भी CD और DVD की आप भविष्य में कॉपी बनाने की ज़रूरत हो उसकी ISO डिस्क इमेज तैयार कर लीजिए। ISO डिस्क इमेज CD और DVD की कॉपी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है डियर फ्रेंड्स। क्या है ISO डिस्क इमेज? जैसे आप किसी फोल्डर की WinRAR की सहायता से आर्चिव फाइल बनाते हैं, उसी तरह से CD और DVD की किसी भी आर्चिव फाइल बनाई जाती है जिसे डिस्क इमेज कहते हैं। डिस्क इमेज में CD और DVD की एक्सेक्ट कॉपी तैयार की जाती है जो पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। कैसे तैयार करें ISO डिस्क इमेज? ज़्यादातर लोग CD एंड DVD में डाटा राइट करने के लिए नैरो बर्निंग रोम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नैरो बर्निंग रोम के अलावा कुछ और भी फ्री CD DVD बर्निंग सॉफ्टवेयर हैं जो नैरो बर्निंग रोम से कम जगह घेरते हैं और ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, और डिस्क इमेज टूल्स के तौर पर भी बेहतरीन काम करते हैं। हम यहाँ डायमंड टूल लाइट 4 से किसी भी CD और DVD की डिस्क इमेज बनाना सीखेंगे। सबसे पहले डायमंड टूल लाइट 4 को डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लीजिए। अब मेन विंडो में आपको डिस्क इमेज आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अपनी ऑप्टिकल डिस्क यानी CD DVD रोम में लगी डिस्क को सिलेक्ट कीजिए। अब आप अपने कंप्यूटर में जिस भी ड्राइव में डिस्क इमेज को सेव करना चाहते हैं उस जगह का पाथ दीजिए। इसके बाद डियर फ्रेंड्स आप डिस्क इमेज को .iso के नाम से फाइल एक्सटेंशन दीजिए और स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। कुछ ही मिनटों में आपकी ISO डिस्क इमेज बनकर तैयार हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से इन ट्रिक्स का यूज़ करके आप आसानी से डिस्क इमेज बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।